गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त करण। मैं स्वागत करता हूं अपना अपने ही दुकान पे और अपनी ही चैनल पर। तो आज देख सकते हैं अपने पास फिर से आई है पंच बेस वेरिएंट, और इस पंच बेस वेरिएंट पे बेसिक मॉडिफिकेशन हो रही है। जिसको बेसिक मॉडिफिकेशन करानी है और उसको पता करना हो कि बेसिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है और किस बजट में होता है, तो उसके लिए वीडियो पूरी है। पूरी वीडियो देखना, आपको पूरी वीडियो में पता लगेगा बेसिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है। तो एक तो बेसिक मॉडिफिकेशन में फॉग लैंप नहीं आते, फॉग लैंप लग रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसका अपना बाहर का फॉग लैंप है। फॉग लैंप के बाद अपने डोर वाइजर वगैरह हो गए, ऊपर अपना ये देख सकते हैं, ऊपर अपने रूफ रेल हो गए, स्पॉइलर हो गया, अंदर इंटीरियर में जैसे स्टेयरिंग कवर, सीट कवर, फ्लोरिंग, एंड्रॉइड, आगे देखो कंपोनेंट और कुछ नहीं आ सकते। आगे दो आगे स्पीकर का सेट, पीछे स्पीकर, मतलब दो सेट हो गए स्पीकर के। तो यही सारा बेसिक मॉडिफिकेशन है, वो धीरे धीरे होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं भाई फ्लोरिंग कर रहा है अपनी पंच की, फ्लोरिंग हो रही है। फ्लोरिंग के बाद में सीट कवर होंगे, सीट कवर के बाद वो स्टेयरिंग रैप होगा। बबलू भाई हमारे कैमरे की वायरिंग डाल रहे हैं, मतलब पीछे कैमरे की जाएगी वायरिंग। आगे एंड्रॉइड वगैरह लगेगा, स्पीकर वगैरह लगेगा। स्पीकर कौन से लग रहे हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो देख सकते हैं अल्फा के स्पीकर लग रहे हैं दो सेट, आगे पीछे भी, और डैप का एंड्रॉइड लग रहा है अपना। अपना फॉग लैंप भी लग रहे हैं फुल पंच के फॉग लैंप, और अपना जो हो रहा है अपना फ्रेम लग रहा है अपना, आप देख सकते हैं पूरा पंच का फ्रेम है 9 इंच का विद कपलर के साथ। तो ये सारा का सारा जो इंस्टॉल हो रहा है अपना, ये अपना इंस्टॉल हो रहा है अपना पंच में। तो एक बार ये लग जाए तो इसका धीरे धीरे खातर हूँ। अरे देख सकते हैं अपना एंड्रॉइड वगैरह की वायरिंग वगैरह हो चुकी है पूरी, कपलर टू कपलर काम है वो देख सकते हैं, पूरा कपलर टू कपलर काम। नीचे फ्लोरिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो रहा बस सेंटर लोकिंग पावर विंडो लगने, जब वो लग चुकी होगी आपको देख सकते हैं। अपना एंड्रॉइड फिट हो चुका है, आगे की तरफ स्पीकर वगैरह फिट हो चुके हैं। अब आईटी की सेंटर लोकिंग और पावर विंडो लगनी है। स्पीकर देख सकते पीछे भी फिट हो चुके हैं अपने, कौन से लगे इन्फिनिटी अल्फा के, अपनी पावर क्या नाम है, आगे फॉग लैंप वगैरह सब लग चुका है इसमें। तो बस जो छोटा मोटा बचा है वो आपको दिखा दूंगा कैसा लगेगा लगने के बाद। फिर आप देख सकते हैं सीट कवर अपना पूरा फिट हो चुका है, स्टेयरिंग कवर की बात है, स्टेयरिंग कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। सेंटर लॉकिंग भी लग चुकी है, बस पावर विंडो लग रही है वो हो जाए। फाइनल पार्ट आपको दिखाएंगे कैसी लग रही है अपनी गाड़ी रेडी होने के बाद। फॉग लैंप लग रहा है भाई, पता फॉग लैंप की फिटिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं फॉग लैंप भी इंस्टॉल हो चुके हैं। लग जाए फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फाइनली जो अपने पास पंच आई थी बेसिक मॉडिफिकेशन के लिए वो हो चुकी है कंप्लीट रेडी। उसमें क्या क्या लगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो एक सेंटर लॉकिंग लगी है, आप देख सकते हैं टाटा लोगों के साथ फ्लिप की रेडी की है। आईडी की सेंटर लॉकिंग लगी है 3 ईयर वारंटी के साथ, और फ्रंट में जो लगा अपना फॉग लैंप लगा है हैलोजन का, जिसको एलईडी अपग्रेड करानी है एलईडी भी अपग्रेड हो जाएगी, हेडलाइट पे एलईडी अपग्रेड करानी है वो भी हो जाएगी, और अपना डीआरएल लगाना डीआरएल पे। तो आगे की तरफ सिर्फ फॉग लैंप लगे, फॉग लैंप हैलोजन लगे, वो फॉग लैंप ला दियो, और फॉग लैंप पे एलईडी अपग्रेड नहीं हुए, नॉर्मल फॉग लैंप लगे अपने हैलोजन वाले, नॉर्मल फॉग लैंप लगे हैलोजन वाले, वो एक बार आपको दिखा दो। ये देख सकते हैं हैलोजन वाले लगे, किसी को एलईडी अपग्रेड करो वो भी हो जाएगी। तो फ्रंट पोर्शन में सिर्फ इतना ही हुआ है, उसके बाद जो हुआ है साइड पोर्शन में एक बार आपको दिखा दो। साइड पोर्शन में क्या हुआ है, एक तो डोर वाइजर लगे अपने पंच की बैजिंग के साथ, ऊपर लगी है रूफ रेल, स्पॉइलर भैया ने लगाया नहीं, स्पॉइलर भैया को चाहिए नहीं था। पीछे की तरफ आके देखें तो पीछे की तरफ अपनी जो लगी है कैमरा लगा, इधर कैमरे के प्लेसमेंट इधर हुई है अपनी, एलईडी वाला कैमरा लगा है। देन इसके साथ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अपना व्हील कवर लगा है, इसमें डिफरेंट व्हील कवर इंस्टॉल किया गया बाकी सब में अलग अलग तरीके से। तो इसका एक बार क्वालिटी देख लो, अगर किसी और कलर के व्हील कवर देखने हैं वो मेरी बाकी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो व्हील कवर इसमें ये वाला इंस्टॉल हुआ है। देन इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में क्या क्या लगा वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो एक आप देख सकते हैं जो इसमें स्टार्टिंग करती है अपनी वेलकम लाइट लगी है पंच की बैजिंग के साथ, और नीचे की तरफ अपनी फ्लोरिंग हुई है। फ्लोरिंग से क्या होता है, नीचे कारपेट जो गंदा होता है वो नीट एंड क्लीन रहता है, और गीला कपड़ा मार के आप साफ कर सकते हो। तो ये हो गया। देन इसके साथ अपना स्टेयरिंग रैप हुआ, आप देख सकते हैं ओएम फिटिंग वाला चाहिए ओएम फिटिंग वाला स्टेयरिंग रैप भी मिल जाएगा, ऐसा चाहिए ऐसा भी मिल जाएगा, हर बजट का चीज़ है, मतलब 400 रुपये से लेके 1000-1200-2000 तक का स्टेयरिंग कवर आपको मिल जाएगा। देन इसके साथ आप देख सकते हैं स्टेयरिंग कंट्रोल भी इंस्टॉल हुआ है विद ग्लॉसी लुक के साथ, और अपने सीट कवर देख सकते हैं वो परफेक्टेड वाले टॉप वेरिएंट में जो सीट कवर आते हैं वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। ये हुआ है अपना सीट का पोर्शन, और आगे की तरफ अल्फा के स्पीकर लगे हैं एक सेकंड गाइस। तो आगे की तरफ अपने आगे अल्फा के स्पीकर लगे, पीछे भी अल्फा के स्पीकर लगे, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था अपना एंड्रॉइड कौन सा लगा, डैप्स का एंड्रॉइड लगा, आप देख सकते हैं ऊपर डैप्स की बैजिंग के साथ हर चीज़ में मेरा डैप्स वगैरह लगता है। और आगे कैमरा लगाया गया सोलर वाला, वो चलेगा तो मतलब सोलर से चलेगा, ये देख सकते ये। देन सीट कवर हो गया, फ्लोरिंग हो गया, और सेंटर लॉकिंग आरडी की हो गई, और पावर विंडो भी आरडी की लगी है मेरी हर गाड़ी में। जैसे होता है कि टाटा के पावर विंडो लगते हैं, इसमें आरडी के पावर विंडो, किसी को ओरिजिनल पावर विंडो चाहिए वो भी अपने पास मिल जाएगी, वो भी अपने पास अवेलेबल है, वो भी अपने पास अवेलेबल है पावर विंडो।
पर जो अभी पावर विंडो भैया को आइडिया अच्छी थी, रिजनेबल पड़ती है और पीछे की तरफ लग जाएगी। जो ओरिजिनल पावर विंडो होती है वो चारों कंट्रोल होती है। ORVM चाहिए वो भी अपने पास मिल जाएगी। सीट कवर आप देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा कहाँ पर हुआ, अपनी जग्गी कार केयर में। तो बेसिकली ये बेसिक मॉडिफिकेशन और बेसिक मॉडिफिकेशन का जो मात्र प्राइस है वो 30,000 से 35,000 के बीच में आएगा आपका बेसिक मॉडिफिकेशन इन चीज़ों में। ठीक है भाई, देखो भैया के पास चलते हैं, उनको कैसा लगा उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। एक बार आ जाइए भैया जी। तो ये हमारे तीन भैया जिनकी पंच आई थी रेडी होने बेसिक मॉडिफिकेशन, तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं इनको कैसा लगा हमारे यहाँ काम करा के। तो हेलो भैया, क्या हाल चाल, पहले तो ये बताइए। बढ़िया जी। तो कैसा लगा, आप सुबह आए थे हमारे यहाँ काम कराने, आपने और जगह ही बजट लिया फिर हमारे यहाँ पे काम कराया, तो कैसा लगा आपको यहाँ काम करा के? अच्छा तो लग रहा है। हाँ जी, अच्छा भी फील आ रहा है। रात हो गई है वैसे? नहीं, रात तो हो जाती है मेरी हर वीडियो में, आप देखोगे रात होती ही होती है, बिना रात के कोई काम ही नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ रात की वजह से हम थोड़ा भी काम छोड़ रहे हैं वैसे। ठीक है, थोड़ा जिसमें हमें हल्का के लग रहा है कि भाई ये कराना चाहिए था, नहीं लग रहा और ये कराना चाहिए था। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, जो काम करा है उसमें हल्का सा लग रहा है। अच्छा, हल्का सा लग रहा है ऐसा? क्या डाउट लगा? कोई दिक्कत नहीं, दुकान अपनी, सब कुछ अपनी, कोई डाउट हो सीधा यहाँ पे खड़ी कर देना और कभी भी आ जाना एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि आपका काम कर दिया और हम भूल जाए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके साथ की कुछ भी दिक्कत है कभी भी सीधा जग्गी कार आ जाना, यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी दिक्कत ऐसा कुछ नहीं, मन डिनाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, आपको पहले सर्व करेंगे, पहले आपकी कंप्लेंट करेंगे अगर कुछ होगी। वैसे तो रेयर ही कंप्लेंट आती है, अगर रिफिन केस होगी तो हम करेंगे। तो और बताइए, 1 से 10 के बजे रेटिंग देने में क्या देंगे? 10 भी देंगे भैया ने, हमें क्या क्या फ्री दिया वो बता। भैया ने क्या क्या, भैया ने कुछ फ्री दे दिया और क्या किस रेट में सीट कवर लगा भैया को बताओ और बताऊंगा नहीं, टोटल बजट बता सकते हो इनका जो टोटल बजट है? वो देखो वो लगा हुआ एरोप्लेन, एरोप्लेन भैया ने फ्री दिया है। और ये लाइटें लगाई है, नहीं बताओगे ये लाइट लगाई है, आगे की लाइट लगाई है वो भी तो देखो आप, ये भी देखो, ये भी तो देखो इतना कुछ करा मैंने कम टाइम में, ज्यादा अच्छा काम करके दिया भैया। और चीजें भी जो मैं कर सकता ना मैंने अपने करा अपने काम पे। तो ठीक है गाइस, स्क्रीन पर नंबर है, वहां से लेके अपना बजट ले सकते हो और अपना काम करा सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।